जो सफ़र होते हैं मुश्किल वो अक्सर छोड़ दिए जाते हैं, मगर जिनके इरादे हों मजबूत वो कहाँ घबराते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से एक नई उमंग और एक नए उत्साह के साथ मैं पूजा अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा शो नई चुनौतियों में। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने आपको रियल एस्टेट के क्षेत्र में युवाओं के बढ़ते अवसर और चुनौतियों के बारे में बताया था, और उसी कड़ी में आज हम युवाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में जानकारी देंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य हमारे देश के युवाओं के हाथ में है। ये युवा ही हैं जो देश को बदलने और इसे बेहतर बनाने की चाह में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारियों में पूरी लगन से लगे हुए हैं, मगर इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज कराना और समय पर रिजल्ट को डिक्लेयर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। राजस्थान में पिछले 68 ईयर्स में राजस्थान पब्लिक स्टेट कमीशन RPSC ने सभी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम्स कराने की जिम्मा संभाला है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं RPSC के चेयरमैन डॉक्टर ललित पवार जी। ललित जी के साथ बातचीत शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। 11 जुलाई 1955 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा में जन्मे डॉक्टर ललित के पवार ने 1974 में बाड़मेर गवर्नमेंट कॉलेज से BSc इन बायोलॉजी की, 1976 में जोधपुर विश्वविद्यालय से MSc इन जूलॉजी करने के बाद अपनी कड़ी मेहनत और लगन से वे IAS बने। IAS बनने के बाद सन 1998 में उन्होंने टूरिज्म में PhD की उपाधि हासिल की। डॉक्टर पवार ने अपने कार्यकाल में कई पदों पर अपना कार्यभार संभाला। वे जैसलमेर के कलेक्टर, टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर के हेड, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के हेड रहे। वर्तमान में वे RPSC के चेयरमैन पद पर आसीन हैं। शुरुआत से ही पर्यटन में दिलचस्पी रखने वाले डॉक्टर पवार ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनेक पदों पर कार्य किया, और न सिर्फ स्टेट में बल्कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। अपने कार्यकाल में उन्हें कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करने का अवसर मिला, जिनमें पैलेस ऑन व्हील्स, पेइंग गेस्ट स्कीम फॉर राजस्थान, एलिफेंट एंड कैमल फेस्टिवल इन राजस्थान मुख्य हैं। डॉक्टर पवार ने कई पुस्तकों का भी लेखन किया है, उनमें से एक सन 2001 में इको टूरिज्म पर लिखी गई है और उसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा अवार्ड भी दिया गया है। डॉक्टर पवार देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में बतौर गेस्ट फैकल्टी अपना उद्बोधन भी दे चुके हैं। 1987 में जैसलमेर के लिए बेस्ट कलेक्टर अवार्ड और 2002 में मारवाड़ रत्न और भी अनेकों अवार्ड से डॉक्टर पवार को समय समय पर सम्मानित किया जा चुका है। 2015 में RPSC के चेयरमैन बनने के बाद अभी तक डॉक्टर पवार के नेतृत्व में 33,317 सिलेक्शंस हो चुके हैं। 85 ऑनलाइन और 10 ऑफलाइन एग्जाम्स करवाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर ललित के पवार जी के साथ। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम नई चुनौतियों में। थैंक यू, आपको नमस्कार। ललित जी, राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से आपने अपना सफर शुरू किया और वहां आपने अपनी मेहनत और लग्न के बल पर एक IAS ऑफिसर बने, और उसके बाद आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया, स्पेशली टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपने अपनी सेवाएं दी। आज आप RPSC के चेयरमैन हैं, तो आपकी ये जो सक्सेसफुल जर्नी है इतने सालों की, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे जिससे उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिल सके। शुक्रिया पूजा जी। मैं बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव से मैंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म एक शिक्षक परिवार में हुआ। मेरी माताजी शिक्षक, पिताजी भी शिक्षक थे, और शुरू से ही घर में पढ़ाई का माहौल था, और इसीलिए अच्छे टीचर्स के आशीर्वाद से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से मैंने अपना मास्टर्स ऑफ साइंस जोधपुर यूनिवर्सिटी से किया, और 79 में मैंने IAS ज्वाइन किया। और उस वक्त भी IAS के इंटरव्यू में 79 में आई वॉज टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर इन IAS इंटरव्यू ऑफ 1979। और मैं बहुत इस मामले में सौभाग्यशाली रहा हूँ, भगवान की कृपा रही है, आप सब लोगों की आशीष और सुभाष रही है कि जो भी थोड़ा बहुत लाइफ में मैं अचीव कर पाया
उसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का और इन सब का बड़ा योगदान रहा है। और जो अपब्रिंगिंग, जो गांव की जो सांस्कृतिक विरासत गांव की थी, वो वैल्यूज हमारे बहुत काम आए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में हुई और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 315 है उसमें इस बात का प्रावधान हमारे संविधान के निर्माताओं ने किया। उसी के तहत UPSC की स्थापना हुई और उसी के आर्टिकल 1 के तहत 315(1) के तहत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, 1949 में RPSC बना और पिछले 68 साल से RPSC काम कर रही है और अब तक करीब करीब हम कह सकते हैं कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स और कैंडिडेट्स, 2.5 लाख से भी ज़्यादा परीक्षाओं के माध्यम से हर साल करीब करीब 25 से 30 लाख परीक्षार्थी हमारी परीक्षाओं को देते हैं। और आयोग का अपना एक कैलेंडर है, उसके हिसाब से हम गजेटेड ऑफिसर्स जितने भी डिपार्टमेंट्स के हैं तो टोटल करीब 36 डिपार्टमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन हम लोग करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2.5 लाख एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना और हर साल 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स उसमें अपेयर हों, तो ये बहुत बड़ा मैराथन टास्क है अपने आप में। जलित जी, जैसे कहते हैं कि कोई भी जब स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में लगता है तो वो कहते हैं पूरी शिद्दत से उसको क्लियर करने में कोशिश करता है, बट अगर किन्हीं कारणों की वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन हो जाए तो उस बच्चे का मनोबल बहुत प्रभावित होता है। जब आपने RPSC के चेयरमैन का पद संभाला तब RPSC को लेकर स्टूडेंट्स की जो व्यूज़ थे वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, क्योंकि एग्ज़ाम्स बार बार कैंसिल हो रहे थे और चीटिंग जैसे केसेस की वजह से भी RPSC की छवि जो है वो धूमिल हो रही थी। तब आपके सामने Pre-RAS 2013 को सही तरीके से कराना अपने आप में एक चैलेंज था, आपने इस चुनौती को कैसे फेस किया? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने काम संभाला था अगस्त 2015 में, तब राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। कुछ एग्जामिनेशंस के पर्चे आउट हो गए थे और राजस्थान का जो युवा है उसका विश्वास डगमगा रहा था, तो ये चुनौती हम सब के सामने थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आयोग के मेरे आयोग के सदस्यगण और जो हमारे आयोग के जो पूरी टीम है, कर्मचारी और अधिकारीगण हैं, हम सब ने मिलकर प्रयास किया और RAS 2013 का प्रीलिम्स हमने टाइम पे कराया। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने उसका रिजल्ट 23 दिन में निकाल दिया। अच्छा, 2013 तो बहुत बड़ी हाँ बात है। और 2016 का RAS प्रीलिम्स का रिजल्ट हमने 17 दिन में निकाला, और वो एक नेशनल रिकॉर्ड है। जो छवि पे जो आँच आ रही थी उसका एक कारण था पेपर आउट होना, एग्जामिनेशन में नकल होना और कॉपीज के एवेल्यूएशन में ऑब्जेक्टिविटी इतना ज़्यादा नहीं होना। तो हमने इन तीनों ह्यूमन प्रॉब्लम्स का डिजिटल सॉल्यूशन निकाला और आज इस बात की हमें खुशी है कि हमारे 90% एग्ज़ाम्स ऑनलाइन है। अब अगर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन है तो पेपर आउट हो ही नहीं सकता, बिकॉज पेपर छपेगा ही नहीं तो आउट कैसे होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में नकल की गुंजाइश जीरो है, क्योंकि हर कैंडिडेट और हर विद्यार्थी अपनी नोट पे या वर्क स्टेशन पे काम कर रहा है, नकल वो कर ही नहीं सकता। डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जंबल्ड है और यहाँ तक कि आंसर्स भी जंबल्ड है, तो अगर आपने गलती से पूछ भी लिया पड़ोस में भाई 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है, तो उसका क्वेश्चन कुछ और है, इसका जवाब कुछ और है, और क्वेश्चन कॉमन भी हो गए तो आंसर जंबल्ड है। तो इसलिए हमने ह्यूमन प्रॉब्लम्स के डिजिटल सॉल्यूशंस निकाले और सॉल्यूशन नंबर 1, 90% एग्जाम्स आर ऑनलाइन। सॉल्यूशन नंबर 2, यूज ऑफ जैमर्स टू चेक द इल प्रैक्टिसेस ऑफ ब्लूटूथ इंस्पायर्ड, और ब्लूटूथ के माध्यम से जो नकल होती थी उसको हमने रोक दिया। तीसरा, और जिसका मुझे बहुत गर्व है, हम पूरी कंट्री में पहले कमीशन हैं जिसने डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट को डिजिटली ऑन स्क्रीन मार्किंग से एवेल्यूएट कराया। जब आपने 2015 में RPSC चेयरमैन का पद संभाला तब आपने ये कहा था कि अब जो भी होगा वो प्रदेश के युवाओं की आशाओं के अनुरूप होगा, और इसके लिए आपने ये कहा था कि RPSC का जो मॉडल है एग्जामिनेशन का वो UPSC के सिमिलर होगा। तो आपको क्या लगता है कि आज हम कह सकते हैं कि RPSC ने वो लेवल अचीव कर लिया है जो एक UPSC के एग्ज़ाम का होता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है पूजा जी, और मैं खुद UPSC गया, 7 दिन तक वहाँ रहा,
और 7 दिन तक मैंने यूपीएससी की पूरी फंक्शनिंग को स्टडी किया। 6 मेंबर साहिबान से मिला और ख़ास तौर से प्रोफेसर पीडी अग्रवाल, जो 12 साल तक यूपीएससी में 6 साल मेंबर रहे और 6 साल चेयरमैन रहे, उनसे घर पे जाके मिला, उनसे मैंने पूरी ब्रीफिंग ली और उनके वर्किंग सिस्टम को समझने के बाद जो यूपीएससी की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको हमने अडॉप्ट किया और वो सारी हमने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में लागू कर दी। साथ ही साथ कुछ ऐसे इनोवेशन भी हमने किए जिसमें हम लोग यूपीएससी भी 2 कदम आगे निकल गए। जैसे कि यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं है, हमारे 90% एग्ज़ाम ऑनलाइन है। यूपीएससी आज भी ऑन स्क्रीन मार्किंग नहीं कराती है डेस्क्रिप्टिव आंसर शीट्स के, हम लोग करा रहे हैं। और थर्ड, यूपीएससी का जो फ्लैगशिप एग्ज़ाम है आईएएस का एग्ज़ाम, जिसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें भी उनको भी एक ऑप्शन रखना पड़ा है। हमने आरएएस के दोनों एग्ज़ाम कराए, 39 सब्जेक्ट्स को कंडेंस करके और 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी, GS1, GS2, GS3 और GS4, वी कंडक्टेड द मेन एग्जामिनेशन ऑफ आरएएस 2013 एंड 2016 विदाउट एनी ऑप्शनल। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने ट्रेंड सेटर बन रहे हैं पूरे देश के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करा रहे हैं और मार्किंग को डिजिटलाइज करा रहे हैं और रिजल्ट्स को टाइमली डिक्लेयर कर रहे हैं। ललित जी के साथ चर्चा जारी रहेगी, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी के चेयरमैन श्री ललित पवार जी से। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब 90% एग्ज़ाम्स, जैसे आपने बताया, ऑनलाइन होने लग गए हैं और पहले ये एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड पे होते थे, तो ऑफलाइन की तुलना में जो ये एग्ज़ाम्स अब ऑनलाइन हो रहे हैं, उसके लिए बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्या स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है इन एग्ज़ाम्स के लिए? जो राजस्थान का यूथ जो ये एग्ज़ाम दे रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये स्विच ओवर है फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। तो इसलिए आपको एक तो यू हैव टू बी व्हाट यू कॉल डिजिटल फ्रेंडली, यू शुड नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, नंबर 1। नंबर 2, एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है ये हमने हमारी वेबसाइट पे मॉक्स डाल रखे हैं, सो आप मॉक ट्रायल कर सकते हैं। यानी हर एग्ज़ाम से पहले हम उस एग्जामिनेशन के पेपर का एक मॉक पेपर, मॉडल पेपर डालते हैं ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उसके ऊपर अपना अभ्यास कर सकें। दूसरा, जितने भी कोचिंग क्लासेस वाले हैं वो भी सिखाते हैं। और आजकल थैंक्स टू द मोबाइल रिवॉल्यूशन, मोबाइल टेलीफोनी जब से आई है, सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो हवा था वो भी काफ़ी हद तक हो चुका है। आपको जान के खुशी होगी कि 76 साल के प्रोफेसर कल्ला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, उन्होंने 76 साल की उम्र में डिजिटल इवोल्यूशन हमारी आंसर शीट का किया एज ए हेड एग्जामिनर, और 76 साल की उम्र में उन्होंने माउस हैंडलिंग सीखा। तो टेक्नोलॉजी को इन्वाइट करें, नंबर 1। नंबर 2, प्रिसाइज टू द पॉइंट, क्योंकि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, स्क्रीन के आपके वो घड़ी भी होगी, वो आपको बताते रहेगी कि कितना टाइम हो चुका है, और आपको जितना भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप कितने सेकंड रुके और आपने किस ऑप्शंस पे क्लिक किया, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा। तो कल को अगर आप चैलेंज कर दें तो हम आपको बता देंगे कि भाई साहब आपने 5 नंबर पे क्लिक किया था, ये डिजिटल रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल। तो ये जो डिजिटल एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, इसके 3 फायदे हैं। एक तो ये कि पेपर आउट नहीं हो सकता, क्योंकि छिपेगा नहीं तो आउट कैसे होगा। दूसरा, एक्यूरेट होता है। तीसरा ये कि ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई और फिर जंबल्ड है, नकल हो नहीं सकती, और रिजल्ट फास्टेस्ट आ जाता है, क्योंकि जैसे ही कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम ख़त्म किया उसका तुरंत हमने उसका प्रिंटर ओएमआर शीट्स में डाला और हम 24 घंटे में रिजल्ट आता है। इसलिए हमने आरएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट 17 दिन में निकाल दिया। जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल इवैल्यूएशन के बहुत फ़ायदे हैं, कैंडिडेट को चीटिंग करने का मौका नहीं मिलता और जो रिज़ल्ट इवैल्यूएशन है वो बहुत क्विक हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है एक ऑब्जेक्टिव मैनर में होती है, तो कोई भी फिंगर रेज नहीं कर सकता कि सब्जेक्टिव है ये इवैल्यूएशन। मैं आपसे जो अब जानना चाहूँगी कि युवाओं को एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा आपके हिसाब से और क्या क्या स्किल सेट उनमें होने चाहिए फॉर दीज एग्जामिनेशंस? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं राजस्थान के यूथ को आपके इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने व्यक्तित्व में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो है ही, आप चाहे मास्टर ऑफ साइंस हैं, एमटेक हैं, एमबीबीएस, एमडी, जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो तो नॉलेज आपका होना ही होना, बिकॉज दैट इज़ योर कोर कॉम्पिटेंस। बट इन एडिशन टू दैट, मैं कम से कम 3 और ऐसी स्किल्स हैं जो आपको एक्वायर करनी चाहिए। स्किल नंबर 1, आर्टिकुलेशन, हाउ टू कम्युनिकेट। आपको किसी प्रश्न का जवाब आ रहा है ये काफ़ी नहीं है, जवाब को कैसे बताना है ये भी आना चाहिए। यानी
माशाल्लाह जवाब लाजवाब होना चाहिए. नंबर टू, अपडेटेड नॉलेज, यानी आपके चारों तरफ क्या हो रहा है और आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा आपके चारों तरफ का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, जो जो दूसरे इन्वेंशंस हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए. क्योंकि नज़रें भले ही आपकी आसमान पे हो, पांव ज़मीन पे होने चाहिए. तीसरा, आप अदर देन योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं. सो हम जब इंटरव्यू करते हैं या जब उनका पर्सनैलिटीज़ को जब एसेस करते हैं तो ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के 50% मार्क्स हैं, बाकी 50% उसके आर्टिकुलेशंस के, उसके अपडेटेड नॉलेज के और उसके डेमिनर के, उसके बिहेवियर के होते हैं, उसके कंडक्ट के होते हैं. उसकी पर्सनैलिटी क्या, इज़ इट ए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी और इज़ इट ए कॉन्स्पायरिंग पर्सनैलिटी, वो पता चल जाता है. निगेटिविटी तो नहीं है इस तरह से. तो कैंडिडेट को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात को एक इफेक्टिव मैनर में कहने के लिए आर्टिकुलेशन आनी चाहिए, अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, अवेयरनेस इज मस्ट कि आसपास क्या हो रहा है, और उसकी पर्सनालिटी में एक दम होना चाहिए जो अपने आप में उसके बारे में बता सके. अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ और नए सवालों के साथ. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नई चुनौतियों में. ललित जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि इतनी सारी तैयारियों के बाद और प्रयासों के बाद जब कोई एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो जाता है, तब उसके सामने ये चैलेंज आता है कि इवैल्यूएशन का, जो हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन और कॉपी चेकिंग, फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू कंडक्शन और अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स इन टाइम, ये तीन जो चैलेंजेस आते हैं, और ट्रांसपेरेंसी को रखते हुए आप इन चैलेंजेस को कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी, बहुत बड़ी चुनौती थी. जो डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट्स हैं उनको जब फिजिकली मैनुअली इवेल्यूएशन हमारे एकेडमिक करते थे तो कई शिकायतें आती थी. प्रोफेसर के घर लोग पहुँच जाते थे, म्यूटिलेशन ऑफ द आंसर शीट हो जाता था, कई बार क्वेश्चन देखना छूट जाते थे. एक हम वहाँ फ्रेज यूज़ करते हैं ACTC, एक्चुअल काउंट एंड टोटल काउंट, यानी 8 सवालों में जो अलग अलग मार्किंग हुई क्या उनका टोटल सही रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो कई बार ऐसा भी हुआ कि वो लापरवाही की वजह से, जो भी कारण रहे हों, तो उसमें बड़ी इल प्रैक्टिसेस और मेर प्रैक्टिसेस थी. तो हमने उसको उसी फॉर्मूले से ठीक किया. ह्यूमन प्रॉब्लम, गो फॉर डिजिटल आंसर. 100 सुनार की, एक लोहार की, बाकी पंवार की. हमने ये फॉर्मूला ही अपनाया. वी वेंट फॉर डिजिटल इवेल्यूएशन. सारी आंसर शीट को स्कैन कराया. तो पहले आंसर शीट आई, उसको डिस्टेपल, स्कैन, रिस्टेपल, एंड देन एवरी पेज वॉज बार कोडेड ताकि मिक्स नहीं हो जाए. तो हर पेज को बार कोडिंग किया गया और प्रोफेसर साहिबान को ट्रेन किया गया डिजिटल इवेल्यूएशन के लिए. तो हमने डिजिटल इवेल्यूएशन जब से शुरू किया है तब से तीन बातें स्पष्ट हो गई, स्पीड, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, नंबर वन. नंबर टू, स्पीड बहुत तेज हो गई कि जो रिजल्ट पहले 6 महीने में आते थे वो आजकल 6 हफ्ते में हम लोग निकाल रहे हैं. साथ ही साथ जैसे ही एग्जाम पूरा हो जाता है, प्रोसेस पूरा हो गया, आप अपनी आंसर शीट को ऑनलाइन देख सकते हैं. आंसर शीट को भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरा सही इवैल्यूएशन हुआ कि नहीं हुआ. इस हद तक हमने परफेक्शन इसको किया. तो आपने बहुत अच्छे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया है जिससे ये एग्जाम बहुत स्मूथली. और जब डिजिटली ये काम चल रहा था तो हर सेंटर पे जाके मैंने खुद पर्सनली इसको सुपरवाइज किया, मेंबर साहिबान को भेजा, और जो इस कंट्री के जो टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स थे, बेस्ट डिजिटल सॉल्यूशंस थे, उनको हमने डिप्लॉय किया. और मुझे इस बात की खुशी है कि जब जब भी इस तरह से कुछ आया तो हमने तुरंत कैंडिडेट्स को कहा भी साहब मुझे मेरे आंसर शीट दिए कि नहीं, मैंने अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन हमने उनको दे दी. आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी. निश्चित रूप से आज के इस प्रोग्राम से हमारे यूथ को एक नई सोच और एक नया नज़रिया जरूर मिला होगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका तहे दिल से शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए. तो ये थे RPSC के चेयरमैन डॉक्टर ललित पवार जी. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ और एक नए विषय पर. तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं. नमस्कार, शुभ रात्रि.